से एक शॉट के लिए आते हैं नैनीताल में घूम गए, अभी नहीं पता पूरा ग्रुप कहाँ है, मैं अकेला भटक रहा हूँ यार रोडों पे। गुड मॉर्निंग पीपल, मेरी गुड मॉर्निंग, आपका आफ्टरनून, बिकॉज ये व्लॉग मेरे दो हो जाते हैं। सो गाइज, एक्सट्रीम राइड के लिए सब कुछ एक्सट्रीम में प्रिपेयर हो चुका है। मेरा घर पूरा फैला हुआ है, मेरा कमरा पूरा फैला हुआ है, बाइक बाहर खड़ी है, साफ सुथरी कर दी है मैंने उसे, अब दिखा दूं आपको। अब बस सामान पैक कर रहे हैं, सामान पैक तो हो चुका है, बेसिकली बाइक पे लगाना है, सारी चीजें दिखाऊंगा और उसके बाद हम जाएंगे यहाँ से जेट प्रभजोत के घर, वहां पे और सारे लोग मिलेंगे, दोस्त यार, हम सादा राइडर्स हैं। एंड दिस टाइम ये बहुत एक्सट्रीम होने वाला है गाइज, ये मजाक नहीं, कसम से हटके होने वाला है, ऑफ रोडिंग। एंड टोटल किलोमीटर्स 538 किलोमीटर है यहाँ से, मेरे घर से 538 है। तो उत्तराखंड में है एक मनियारी जगह जहां पे ये सब होने वाला है, एक्सट्रीम होने वाला है। ऑफ रोडिंग तो मैंने करी ही नहीं है इस लेवल पे, तो देखते हैं क्या होता है, कैसा रहता है। एंड आई नो लास्ट एक्सपीरियंस मेरा कुछ ज्यादा ही अच्छा था, जैसे मैंने अपनी किट निकाली थी ना, मुझे सब याद आ गया था कि लास्ट ट्रिप पे मैं ऐसे ही रेडी होके ऐसे ही एक्साइटेड होके गया था, क्या हुआ था। बट कुछ नहीं, होता रहता है, चलता रहता है, राइडर्स रुकेंगे नहीं और डरेंगे नहीं, किसी का डर नहीं है, हम ऐसे चलते रहेंगे। मैं आपको बाइक दिखाता हूँ, निकलते हैं जल्दी से, ना तो मैं लेट हो जाऊंगा, मुझे लेट होना ज्यादा पसंद नहीं, वैसे मैं हो जाता हूँ पर पसंद नहीं। तो गाइस, जाने से पहले थोड़ा सा अपना हुलिया सुधार लूँ, थोड़ा इंसान बन जाऊँ। तो बेसिकली मैं यूज कर रहा हूँ फाइव लाइफ के बॉडी वॉश प्रोडक्ट्स, जो 100% वेगन है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, सल्फेट फ्री एंड सोफ्री है। सोफ्री क्या होता है बताता हूँ, सोफ्री बेसिकली क्या होता है, तब हम नहा के निकलते हैं ना, हमारी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, तो ड्राई नहीं रखता, ये मॉइस्चराइज करके छोड़ता है आपकी स्किन को, जिससे आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहती है और हाइड्रेटेड रहती है, बहुत सिंपल है। तो ये यूज करो प्रोडक्ट, इसके दो वेरियंट्स हैं, एक विटामिन सी, ये वाला ब्लू वाला, एंड इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना, इन दोनों की अलग है, एक दूसरा है माउंटेन रेन, तो दोनों की फ्रेग्रेंस इनके अलग अलग है। तो अभी नहाने के बाद मैं बताऊंगा इनकी कैसे फ्रेग्रेंस है, अभी हम यूज करने वाले हैं माउंटेन रेन। तो माउंटेन रेन कैसी हुआ, एक और चीज इसके साथ, लोफा। लोफा बेसिकली क्या है, स्क्रब है, इस पे इसके ऊपर ड्रॉप डालो कोई भी बॉडी वॉश की और रब करो, अच्छे से वॉश करो तो अच्छे से क्लीन अप हो जाता है। दोनों के बताता हूँ मैं चीजें, ठीक है, देखो। सो गाइज, जस्ट अभी शावर लेके आऊँ, एंड सीरियसली गाइज, इस प्रोडक्ट की फ्रेग्रेंस अलग है, लाइक इस वाले की है थोड़ी अर्थ की सोयल वाली आती है ना, थोड़ी फ्रेग्रेंस एंड इंटॉक्सिनेटिंग सी है, बहुत प्यारी है। इसके सिवा जो दूसरे वाला था उसकी थी, आपको मैं बताऊं तो गोवा वाली फील आएगी, लाइक सी, ठंडा ठंडा ब्रीजीज आ, तो उस टाइप का है। दोनों कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट के सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी होंगी, आप यूज करना, अच्छा लगेगा आपको। अब जल्दी से रेडी हो जाता हूँ, मुझे लग रही है ठंड, जल्दी से चलते हैं। बाइक पे पीछे बैग बांध दिया है, रस्सी को नीचे वाले पैडल से लेके पीछे बांधा है पूरा, वहाँ पे सब वेट कर रहे हैं, फिर निकलते हैं जल्दी से राइड के लिए। ठीक है, नमस्ते पापा, चलो मैं। सो अभी हम पहुँचने वाले हैं साहिल के घर पे, और साहिल के घर पे मिलेंगे हमें जट प्रभजोत भाई और सारे अपने गैंग वाले बंदे, तीन चार। कैसे हो? ओ ओ ओ ओ। सो पहुँच चुके हैं साहिल भाई के घर के बाहर, मेरी बाइक ये खड़ी, ये हर्ष भाई की बाइक खड़ी है, ये और भैया की बाइक है, और बाइक है। देखो पहली बात तो मेरे को लग रहा था सारी बड़ी बड़ी बाइकें आएंगी बहुत ज़्यादा, तो एक दो डोमिनार आई है, तो मुझे खुशी मेरे सेगमेंट की बाइकें हैं। एंड मैं मिलवाता हूँ सर से, छोटी छोटी नहीं, छोटी छोटी नहीं है, छोटी छोटी की बाइक बहुत अच्छी बना रखी है, छोटी छोटी है लेकिन छोटी छोटी नहीं है, मेरे साथ का कोई तो है। भाई पीछे वही मेहनत कर रहे हैं, वही मशक्कत कर रहे हैं जो मैं कर रहा था, एग्जैक्टली यही मैं कर रहा था, रस्सियां बन नहीं रही थी मुझसे, एक दिन आएगा मैं कर गया, पर मैंने कर लिया, खुद ही करा है मैंने, लगे रहो लगे रहो। एक डोमिनार है Z800 प्रभजोत भाई की, ये एक और डोमिनार, ये Z900 हर्ष भाई चला रहे हैं इसे, वो मेरी अपनी कावासाकी निंजा 300। सो मैंने मास्क पहन लिया है और सुबह हो गई है, वेट कर रहे थे हम एक बंदे का, तो सुबह हो गई है, देखो दिन हो गया है, रात को स्टार्ट करा था हमने चलने के लिए, तो अब सब रेडी हो चुके हैं, मैं भी अपना हेलमेट वेलमेट पहनता हूँ, निकलता हूँ। निकलते हुए
सारे राइडर्स अपने साथ हैं, देर से मैराथन वैराथन चल रही है उसकी, रनिंग कर रहे हैं। सो बढ़िया, अच्छा चेकआउट भाई, जब छूट गए हम सारे बैग छूट गए, रोड अपना है, आओ लगा दो। अभी बाइक रोकी है क्योंकि डोमिनार का पिछले वाला टायर खराब हो गया। ये फुल पावर थोड़ा गंजा सा लग रहा है, हमने बोला काम तमाम ही करते, चेंज ही करवा लेते, आगे राइड में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कितना टाइम लगेगा भैया? 10 मिनट यहाँ लगेंगे, इसके बाद कुछ खाने जाएंगे, मुझे लग रही है बहुत भूख। मुझे ग्रेस मुझे, चलो छोड़ दिया भाई, छोड़ दिया, माफ किया। हाँ रुके हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे, बढ़िया सी जगह लग रही है। अबे पूरी गैंग यहाँ पर, गाना सुनो। प्रो व्लॉगर बनने के लिए ना आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे देखो ये बेफालतू की मेहनत कर रहे हैं ड्रोन में। मैं ये कदापि ना करूं, मैं खाना खाऊं, मैं इधर आके ड्रोन ना उड़ाऊं कभी भी, मैं खाना खाऊं भूखा। आओ भाई खाना खाना खाना, आ जाओ आ जाओ, इधर बढ़िया खाना मिल रहा है। ये देखो भाई, अब समझ में आ रहा है ब्लॉगर्स के कंटेंट कैसे बनते हैं भाई। एक एक रोटी फोकस कर ली इन्होंने सबने चुनवारी। टेस्ट करो भाई, इतना टेस्ट के लिए दिया हमने, इतनी सोप टेस्ट के लिए दी है तेरी तो। ये तो अलग ही जुगाड़ है भाई, ये कौन सी ऑफ रोडिंग है? देखो यार मैं एक बात बोलूं, उस रास्ते में ना अच्छा खाओ, अगर अच्छा नहीं खा रहे ना तो ऐसी हालत हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा फिर। भाई चार बार ही जा चुके हैं वॉशरूम, टटियां लग गई हैं, टटियां लग गई हैं। बस यहाँ पे रुक के एक टी ब्रेक लिया, वो हो चुका है, कॉफी पी सबने, अब सब आगे निकलने वाले हैं क्योंकि यार ज्यादा रेस्ट लेंगे तो और ज्यादा थकावट होगी। अभी एक दो को हमारे धुरंधरों को नींद आ चुकी है। 210 किलोमीटर के बाद वापस पेट्रोल डलवाना पड़ा, बस वो ओवरफ्लो के गिर जाएगा। रामपुर गांव से निकल रहे हैं अंदर से, क्योंकि गांव से निकलना ना थका देने वाला होता है, ट्रैफिक में इंसान थक जाता है, अगर लंबे रूट पे खींचता जा रहा है निकाल देगा। ओके Go straight, straight, straight. Okay. After 45-50 kilometers, you will find signboards. Thank you, भैया. अपनी स्क्वाड आ चुकी है यहाँ पे। आ रहे कैसे? हूँ भुट्टा खा लो। अब आगे बढ़ते हुए अपनी मंजिल को, अब रुकना नैनीताल है ना फाइनल? अब नैनीताल जाके रुक जाएंगे, अब इससे आगे नहीं जाया जाएगा, बस ये हो गया। रुकना फाइनल ही है, जाना फाइनल है। हम रुकेंगे होटल में और वहीं रुकेंगे जहाँ पे सोएंगे। मैंने आना ही नहीं इस ग्रुप में। ये पूरा मंजर कुछ अलग ही है, ग्रीनरी, ये पहाड़, ये व्यू कुछ अलग ही बताता है यार। इतना रिलीफ मिलता है ना यहाँ पे आके, इतनी शांति मिलती है। आई रिकमेंड यू गाइस कभी आना इस साइड, और बाइक से आना तो और अच्छा लगेगा आपको। अंधेरा होने वाला है और आंखों में हल्की हल्की थकान आ गई है क्योंकि हम सुबह से निकले हुए, अब जाके यहाँ पे पहुंचे हैं तो हल्की हल्की थकान आ गई है आंखों में। ओए स्टेप फार्मिंग गाइस, दिस इज कॉल्ड स्टेप फार्मिंग। आपने कभी बचपन में पढ़ा होगा, स्टेप फार्मिंग इज बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे ना लैंड प्रॉपर नहीं होती तो उसे स्टेप बाय स्टेप में कट करते हैं और उस पर स्टेप फार्मिंग करते हैं। रोड रेज फील आ गई मुझे। दस किलोमीटर और ऊपर जाना है हमें, सो फिर हम पहुंच पाएंगे। गाइस सी नेचर इस ब्यूटी, और आपको दिखाता हूँ आप कुछ और। ये देखो ये व्यू देखो, सामने बादलों के पीछे सूरज की रोशनी, कितना प्यारा सीन है, कितना प्यारा है, कितना अद्भुत।
तो हम आ गए हैं नैनीताल की गलियों में। ये जो प्यारी प्यारी गलियां हैं नैनीताल की, ओहो मेरे बाइकर दोस्त बहुत आगे निकल गए क्योंकि मैं कैमरे का दूसरा कार्ड डालने में बिजी हो गया था। भैया भैया अभी बाइकें यहाँ गई हैं वहाँ गई हैं, बहुत सारी बाइकें निकली थी अभी। इधर ही आए थे नीचे। अच्छा अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो सब कहाँ गए हैं। वो गए होंगे शायद यहाँ पे, यहाँ पे ट्राई करते हैं, इस साइड गए होंगे तो दिख जाएंगे। आई डोंट थिंक सो इधर गए हैं, इधर तो नहीं गए। भाई पता नहीं कहाँ खो दिया मैंने उन्हें। अभी वही है, मेरा फ़ोन भी तो ऑफ है और उसको चार्ज करके ही उनसे बात हो पाएगी। कोई क्ल्यू भी नहीं है यहाँ उनका आसपास एंड बाइकों का शोर भी नहीं है। तो एक शॉट के लिए आते हैं नैनीताल में, घूम गया अभी नहीं पता पूरा ग्रुप कहाँ है, मैं अकेला भटक रहा हूँ यार रोडों पे। मेरे को सामने से बाइकों की आवाज़ आई है अभी। भैया अभी सुपर बाइक सारी यहीं पे गई थी क्या? अच्छा अच्छा थैंक यू भैया, पुलिस वाले भैया ने हेल्प कर दी ढूंढने में। कहाँ पे है कहाँ पे है कहाँ पे है? अरे यार कहाँ गए? 1000 की आवाज थी क्यों? मिल गए मिल गए मिल गए मेरी पल्टन में। अरे फोन स्विच ऑफ था। हाँ गया था यार, फोन ऑफ हो गया था। कैसे भाई? हाय बहुत बढ़िया भाई। हाय भाई कैसे हो? बिल्कुल अभी हेलमेट उतार रहा हूँ यार। हाँ अरे यार मैं पीछे रह गया और ना एक बेवकूफ के बच्चे ने ना इसी रास्ते से मार था। मैंने एक से पूछा, मैंने कि यहाँ से कोई बाइक गई है स्पोर्ट्स बाइक सुपर बाइक? कह रहा आधे घंटे से कोई नहीं गई। मैं 10 मिनट खड़ा रहा वहाँ, फिर मैंने कहा बंदा चूतिया, मैं खुद ही जा रहा हूँ। थोड़ा सा डाइट का ध्यान देते हुए यहाँ भी प्लेन ऑमलेट और थोड़ी सी महंगी थोड़ा सा चीज। अपने होटल रूम ये सर ने करवाया अरेंज, बहुत अच्छा होटल है, एक रूम दिया है 7 जनों को एक रूम। भाई देखो अभी ये सब खाने खाने जाएंगे, अगर मेरे में हिम्मत हुई तो मैं चला जाऊंगा, ना तो मैं सो रहा हूँ। जान बची तो उम्मीद 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 जान वान तो बची नहीं। भाई आंखें लाल हो गई भाई। भाई मेरा मन नहीं था बाहर आने का, बट इन सब ने बोला कि भाई आया नैनीताल तो माल रोड तो आया यहाँ के, तो यहाँ का माल रोड बहुत अच्छा है। देहरादून वाले में गया था पर यहाँ का माल रोड मेरे को ज्यादा अच्छा लगा, साइड में लेक है और मुझे कुछ खाना है, मुझे खाने का नहीं दिलवा रहे भाई, मुझे कुछ खाना है भाई। तो भाई किसी भाई मुझे कुछ खिला दो भाई। इन लोगों ने ना इस खाने के लिए मुझे तरसा दिया, इन दोनों ने मिलके मुझे तरसा दिया इन खाने के लिए। सो बहुत ज्यादा थक चुके हैं अभी, माल रोड से होके आए, अच्छा था खाना भी फाइनली खा लिया, अब बहुत गंदी नींद आ रही है क्योंकि पहले दिन की राइड थी, बहुत थकान हो गई है। सो गाइस जाते आते जो मैंने फाइव लाइफ के प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया था, वो अगर आप खरीदोगे उनकी वेबसाइट से और यूज करोगे मोहित छिकारा कोड तो आपको मिलेगा 15% डिस्काउंट। तो जाके भाई खरीदो, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आपको बहुत अच्छा लगेगा एंड भाई स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, आपकी स्किन डिहाइड्रेट नहीं होती, बहुत अच्छी लगती है एंड एक फ्रेग्रेंस रहती है तो अच्छा रहता है, खरीद लेना ठीक है। डिस्क्रिप्शन में सब मेंशन होगा और जाते आते याद रखना लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना आपको कैसा लगा, फिर मुझको आइडिया मिल जाएगा कि फ्यूचर में कैसा करना है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, अब सोने का टाइम हो गया, बाय बाय।